समूचे उत्तराखंड के लिए एक बड़ी खबर राजधानी देहरादून से सामने आ रही है, जहां बेरोजगार संघ ने शुक्रवार 10 फरवरी को समूचा उत्तराखंड बंद रखने का आह्वान कर दिया है। बेरोजगार संघ द्वारा यह कदम गुरुवार को राजधानी देहरादून में हुए लाठीचार्ज के बाद उठाया गया है। बता दें कि परीक्षाओं में धांधली की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे युवाओं पर गुरुवार को पुलिस ने जमकर लाठियां भाजी, जिसके बाद युवाओं की ओर से भी पथराव किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। अब उत्तराखंड संघ ने 10 फरवरी को उत्तराखंड बंद करने का आह्वान कर दिया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ द्वारा इस संबंध में राज्य के समस्त सामाजिक संगठनों, छात्र संगठन, पूर्व सैनिक संगठन, टैक्सी यूनियन, व्यापारिक एवं राजनीतिक संगठनों को लिखे गए पत्रों में कहा गया है कि आप सभी को अवगत कराना है कि दिनांक 8 फरवरी 2023 व आज दिनांक 9 फरवरी 2023 को अपनी जायज मांगों को लेकर सत्याग्रह कर रहे हमारे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं पर देहरादून गांधी पार्क के समीप जो बर्बरता बरती गई, उससे प्रदेश के सभी छात्र छात्राएं एवं उनके अभिभावक आहत हैं और पूरे प्रदेश में आक्रोश व्याप्त है। अतः उत्तराखंड बेरोजगार संघ देहरादून में प्रदेश के गरीब छात्र छात्राओं पर हुई बर्बरता के विरोध में समस्त सामाजिक संगठनों से कल पूरे प्रदेश को बंद रखने का आह्वान करते हैं। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।